नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 6 के विज्ञान का सातवां चैप्टर पौधों को जानिए। हमारे चारों तरफ जितने भी पौधे पाए जाते हैं उनमें क्या क्या होते हैं और पौधे किस मतलब कि पौधों के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, और पौधों के कितने भाग पाए जाते हैं, इन सब के बारे में देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं कि ये प्राकृतिक पौधे हैं, तो इन्हें कोई लगाता या फिर इनकी देखभाल नहीं करता, ये स्वतः ही प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। तो इन सभी में आप देख रहे हो कि पौधे हैं, इनकी पत्तियां हैं, तने हैं, जमीन के अंदर इनके ये कुछ इस प्रकार से जड़ निकले हुए होते हैं। अब अगर हम पौधों के भागों की बात करें तो पौधों के कितने भाग पाए जाते हैं। वैसे पौधों के तो बहुत सारे भाग पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 से 4 भाग पाए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पौधे एक जड़ होता है, ठीक, जो कि ये वाला पार्ट जड़ है, ठीक। तना, ये आपको यहाँ से ले करके जितने भी पार्ट दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या हैं, तने के पार्ट हैं। पत्ते, तो अब आप तो पत्तियाँ समझ सकते हो, ये सारी चीज़ें क्या हैं, छोटी छोटी पत्तियां हैं। बीज, ठीक है, ये जो फूलों से प्राप्त होता है ये हमारा फूल है, तो अब ये फूल से क्या होगा, बीज बनेगा, फिर बीज से नए पौधे का निर्माण होगा। अब बात आते हैं 7.1, शाख झाड़ी एवं वृक्ष। शाख का मतलब क्या होता है कि ऐसे पौधे जिसमें हम जड़, तना, पत्ती, ठीक है, ये क्या करते हैं, आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक। और झाड़ियों में भी, और वृक्ष जो होता है इनके मोटे जो हैं वो तने होते हैं, मतलब कि तने मोटे होते हैं और ये बहुत ही लंबे होते हैं। झाड़ियाँ छोटी होती हैं और इनमें पत्तियाँ और तने जो हैं इन्हें हम अलग अलग नहीं कर सकते। जो शाकीय पौधा होता है वो उनके तने जो होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, ठीक है, मुलायम होते हैं। तो इसके लिए क्रियाकलाप आप कीजिए कि आपके चारों तरफ जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें आप देखिए कि आपसे लंबाई में कौन कम है, आपके बराबर है या फिर आपसे बहुत ही ज़्यादा, और आप उनके तने को भी स्पर्श कीजिए कि क्या ये तने मोटे हैं या फिर मुलायम हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कीजिएगा। और ये जो हमारी सारणी दी गई है कि 7.1, इसमें आपको पौधे का नाम लिखना है, ठीक है, ऐसा आप घर पे कर सकते हो अच्छे से। और कॉलम 1 में आपको ऊंचाई लिखनी है कि वो आपसे किस आकार में, आपसे बड़ा है, छोटा है या फिर कैसा है, और वो पौधा कैसा, हरा है या सूख गया है, ऐसा भी आपको लिखना है। वो कोमल है, मोटा है, कठोर है, तीनों में अगर जो है उसके या सामने आप हाँ लिख दीजिए, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। फिर शाखाएं इसमें कहाँ से निकलती हैं, क्या वे तने पे से निकलती हैं या फिर तने के ऊपर से निकलती हैं। जैसे कि हमारा नींबू है, ये तने से ही निकलती हैं इनकी शाखा, जो आम होता है ये तने के ऊपर से निकलती हैं, ठीक है। कॉलम 4 में वो कौन किस वर्ग का पौधा है, शाकी पौधा है या फिर वृक्ष है या फिर झाड़ी है, ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से लिखना होगा, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक झाड़ी पौधे का उदाहरण है, ये हमारा शाकीय पौधा है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि यहीं पे ही ये मतलब कि तनों के लिए थोड़ा सा भी स्थान नहीं छूटा है, यहीं से पौधे मतलब पत्तियां निकल रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पौधे और तने आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं कि कहाँ पे आपकी पत्तियां हैं, कहाँ पे आपका तना है, जैसे कि इस फिगर में आप देख रहे हो। वृक्ष में आप देख सकते हो कि इतना तना है, इस तने में कोई भी पत्ती नहीं है, तो ये है कि तने के ऊपर से इनकी पत्तियाँ जो हैं शुरू होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वृक्ष कहते हैं, ठीक है। अब कुछ बात आती है, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि उनकी जो तने होते हैं बहुत ही कमज़ोर होते हैं, ठीक है। तो कमज़ोर तने वाले क्या करते हैं, वो किन्हीं किसी सहारे के कारण, मतलब किसी सहारे की सहायता से ऊपर उठते जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है, विसर्पी लता, ठीक है। जैसे कि हमारा क्या है, अमरबेल, और बहुत सारे घास फूस होती हैं जो कि दीवार या फिर किसी और सहायता से ऊपर चढ़ती जाती हैं, तो ऐसे पौधों को आरोही पौधे भी कहे जाते हैं। कौन से पौधे, आरोही पौधे, जैसा कि आप यहाँ को फिगर में आपको दिखाया गया कि यह पौधा जो है ये इस खंभे की सहायता से ऊपर की तरफ उठता हुआ जा रहा है। तो हमें इस तरह से अपने चारों तरफ जितने भी पौधे हैं उनका अच्छे से अध्ययन करना
होगा। अब 7.2 तना, इसके लिए क्रियाकलाप 2 हम करते हैं कि पौधे में तना जो है उसके कार्य क्या हैं और वो कहाँ पाया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक ग्लास लेते हैं, उसके अंदर पानी और लाल स्याही और एक जो है हरा पौधा लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि उसे स्याही में डुबो देंगे, ठीक है। तो अब पौधे का कार्य, मतलब पौधे में जो तना पाया जाता है उसका कार्य होता है कि जो जड़ से पानी और खनिज लवण इन सबको अवशोषित करके पत्तियों के प्रत्येक भाग तक पहुँचाना, और जिससे कि वो उनसे भोजन का निर्माण कर सके और तना फिर से उसी भोजन को हर एक भाग में पहुंचा सके। तो इसके लिए दो विशिष्ट प्रकार की नलिकाएं पाई, जैसे कि हमारे हमने आगे पढ़ेंगे कि दो नलिकाएं होती हैं हमारे शरीर में खून के लिए, एक सिरा होती है एक धमनी, तो उसी तरह से इनमें भी होता है, एक जाइलम होता है एक फ्लोएम होता है, ठीक है। आप ऊंची कक्षाओं में इनके बारे में अधिक मतलब कि विस्तार से पढ़ोगे। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि एक घंटे रखने के बाद आपको उस पौधे को जल से बाहर निकालना है और उसके तने को काटना है। तो आप देखोगे कि लाल लाल रंग के आपको इस तरह से कुछ धब्बे दिखाई देंगे, जो जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा कि जो पौधे होते हैं, जो पौधे के तने होते हैं वो जल का संवहन जो है करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप जो है एक फूल वाला उदाहरण ले लीजिए, वैसे तो आपने इसमें केवल पौधा लिया था, फूल वाला उदाहरण ले लीजिए, तो उसमें भी वही काम कीजिए कि लाल स्याही डाल दीजिए और एक में नीली स्याही, तो दोनों पौधों को अलग अलग करके उसमें रख दीजिए, फिर उसके बाद काट करके आप उन्हें देख सकते हैं कि फिर से वही पहले वाली चीज़ उसमें दिखाई देगी, जिस तरह से नीले और लाल धब्बे पहले हमने देखा था। अब बात आती है कि पत्ती, ये भी तो एक पौधे का एक भाग है, जैसे हमने देखा था कि फूल, पत्ती, जड़, तना, बीज, फल, ये सब चीज़ें किसके भाग हैं, पौधों के भाग हैं। अब तीसरा जो है हमारा पत्ती, तो पत्तियों का क्या कार्य होता है कि पत्तियों में पर्णवृंत पाया जाता है और फलक या फिर पटल पाया जाता है। तो इस किसी भी पत्ती का चपटा हुआ भाग फलक या पटल कहलाता है, और जो तने से, ठीक है, तने से जुड़ा हुआ भाग पर्णवृंत कहलाता है, जैसा कि आपको फिगर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद हमें एक क्रियाकलाप 3 करते हैं पत्तियों के अध्ययन के लिए। तो सबसे पहले हमें पत्तियों के कुछ ड्राइंग्स बनाने होंगे, ठीक है। तो पत्तियों में जो रेखांकित संरचना पाई जाती है उन्हें हम सिरा कहते हैं, और पत्तियों के बीचों बीच, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो कि ये जो सिरा रेखी पाई जाती हैं हम क्या बोलते हैं, सिरा बोलते हैं, और ये जो आपका मिडल पोर्शन दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, मध्य सिरा, ठीक। और इसके बाद इस तरह से जो हमारा मध्य सिरा हो गया, लेकिन अब इसमें ये जो डिजाइंस बनी हुई हैं ये सभी ये डिजाइंस क्या कहलाती हैं, सिरा विन्यास, क्या कहलाएंगी, सिरा विन्यास, जैसे कि हमारा क्या होता है, तंत्र क्या, तंत्र, ठीक है, उस तरह से। और फिर इसके बाद कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें जो सिराएं होती हैं वो कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो जिस सिरा में मतलब कि जिस पौधे के पत्तियों में, ठीक है, सिराएं जाल के रूप में पाई जाती हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जालिका रूपी सिरा विन्यास, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं। और जालिका रूपी सिरा विन्यास की जड़ें किस प्रकार से होती हैं, इनकी जड़ें जो हैं वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो आप अभी केवल इतने ही जानिए। तो अब कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जैसे कि जो हमारे जो हमने ऊपर पढ़ा था शाकीय पौधा और झाड़ियाँ, तो झाड़ियों मतलब कि जितनी भी झाड़ियाँ होती हैं उनके अगर आप पत्तों दो, जैसे कि सरपत है या फिर ऊख है, मतलब कि गन्ना है, इन सब में क्या होते हैं कि जो इनका सिरा विन्यास होता है, मध्य सिरा भी पाया जाएगा और सिरा भी पाया जाएगा, लेकिन ये सिरा इसमें जाली के रूप में या फिर अलग अलग डिजाइनों के रूप में ना होकर के एक समांतर क्रम में पाई जाएंगी, जिन्हें हम समांतर सिरा विन्यास कहेंगे, ठीक है। अब अगर हम पत्तियों के कार्य के बारे में पढ़ें, तो पत्तियों का कार्य क्या होता है,
ये पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं। प्रकाश संश्लेषण का मतलब यहाँ पे होता है कि प्रकाश जो है ये अवशोषित करेंगी और तना से ये जल लेंगी, ठीक है, और प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ले लेती हैं, ठीक। तो इन सब की क्रियाओं से एक समीकरण बनाएगा, मतलब कि ग्लूकोज का निर्माण होगा, जो कि है CO2 प्लस H2O। ऐसा हमने आपको पहले भी बता चुका हूँ। फिर इसके बाद ये है प्रकाश, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या होता है क्लोरोफिल, इससे आपका क्या बनेगा C6H12O6 प्लस O2। अगर आप इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6CO2 6H2O प्लस 6O2, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज, जो कि हमें क्या देता है, ऊर्जा, ठीक। और ये सब क्या हैं, इन सब चीज़ों को मिलाने वाले घटक, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो पत्तियों का कार्य होता है कि भोजन का निर्माण करना और फिर भोजन को तने की सहायता से हर एक भागों में पहुंचाना। और इसका क्या कार्य हो सकता है कि जो पत्तियां होती हैं ये वाष्पोत्सर्जन भी करती हैं, ठीक है। मतलब कि पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रंध्र, ठीक। तो ये इसके माध्यम से ये वायुमंडल में क्या जो वाष्प के रूप में जल को प्रवाहित कर देते हैं। इसके लिए अगर आपको परीक्षण करना है तो आप एक मतलब कि दो झिल्ली ले लीजिए, क्योंकि आपको इसे परीक्षण में करना है। तो और धागा, तो झिल्ली को मतलब कि जो आपका पॉलीथीन होगा उसे आप पौधे के जो पत्तियाँ हैं उनमें रख करके अच्छे से बांध दो, ठीक है। और एक जो आपने दूसरी पॉलीथीन ली है उस पर आप उसमें कुछ भी मत रखो, उसे वैसे ही बांध करके धूप में रख दो, ठीक है। और लेकिन आप जो पौधा लो वो हरा भरा हो, ठीक है, ठीक, उसमें जल की मात्रा हो, तभी आप उसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि जब आप उसे 2 से 3 घंटे तक धूप में छोड़ दोगे तो जब आप वापस देखोगे तो उन जो आपने पौधे की पत्तियों में पॉलीथीन लगाया था उसमें आप छोटी छोटी जल की बूंदें देखोगे, जिसे हम क्या कहते हैं, जल की बूंदें। और जल की बूंदें का पत्तियों की रंध्रों के द्वारा या फिर वात रंध्रों के द्वारा वायुमंडल में प्रवाहित या फिर निष्कासित कर देना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। अब जो हमारा क्रियाकलाप 5 है, इसमें हम क्या करते हैं कि मंड का परीक्षण करते हैं, जैसा कि हमने और भी वीडियोस में कर चुके हैं। किसका परीक्षण, मंड का परीक्षण, ठीक। तो मंड का के परीक्षण से सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक बीकर ले लेना है, ठीक, और उसे गर्म करके उसमें आपको आवश्यक सामग्री के बारे में पहले बात कर लेते हैं। पत्ती लेना है, स्प्रिट, बीकर, परख नली, बर्नर, जेल प्लेट और आयोडीन का विलयन। आयोडीन के विलयन से ही हम क्या करेंगे कि मंड का परीक्षण करेंगे। तो सबसे पहले आप उसे अच्छे से स्प्रिट डाल के या फिर जल में स्प्रिट डाल के उसे गर्म कर दीजिए। गर्म करने के बाद आप उसे अच्छे से या फिर सावधानी से गर्म जल से पत्ती को निकालिए और उसे जल से धुल दीजिए। तो जल से धुलने के बाद आप उस पर आयोडीन का विलयन जो है डालेंगे। अगर आयोडीन का विलयन पत्ती पर पड़ते ही उसका रंग जो है परिवर्तित हो गया, फिर जिस भाग में परिवर्तित उसका रंग हो जाएगा उसमें क्या होगा, मंड है। अगर आपको इससे नहीं समझ में आता है तो आप एक और क्रियाकलाप कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना होगा कि आपको पत्तियां लेनी है जिसमें कि आपको आधे पत्ती को काले कागज़ से पूरी तरह से ढक देना और उसे सूर्य के प्रकाश में रख देना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, अगर उसमें मंड उपस्थित होगा, ठीक है, तो उसका जो भाग होगा वो प्रकाश संश्लेषण करेगा, नहीं तो क्या होगा कि वो काला पड़ जाएगा या फिर सूख जाएगा। तो इस तरह से हम
मंड का परीक्षण या फिर पत्तियों के कार्यों के बारे में भी अध्ययन कर लिया। हमने प्रकाश संश्लेषण ऊपर देख चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो प्रकाश की स्थिति फिर उपस्थिति में पत्तियों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल इन सबसे ग्लूकोज का निर्माण होता है जो कि पत्तियाँ तने के माध्यम से पौधों के प्रत्येक भाग में पहुँचाती हैं। अब हम बात करते हैं जड़ की। तो जो जड़ होता है ये एक पौधे का एक बहुत ही विशेष भाग होता है। जड़ के माध्यम से ही कोई पौधा जो है वो अपना वृद्धि विकास कर सकता है तथा जो परिस्थितियां आंधी तूफान आते हैं उसमें जड़ जो है उसकी सहायता करती है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि दो पौधे हैं जो कि विसर्पी पौधे हैं, सर्पिली, जैसा कि हमने पढ़ चुका है, ठीक है। तो इसमें हम दो गमले लेते हैं, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड, कैंची इस तरह से लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें जड़ के कार्यों के बारे में अध्ययन करना है तो इसमें दो हम एक ही प्रकार के पौधे लेंगे या फिर आप घास भी ले सकते हो, ठीक। एक का जड़ आपको अच्छे से बचा करके कोई हानि ना हो उसे गमले ए में लगाना है और एक का जड़ काट करके आपको गमले बी में लगा देना है। तो जो हमारा गमला है इसमें आपको प्रत्येक पानी जो है उचित मात्रा में देना है। इसके बाद कुछ देर बाद या फिर कुछ दिन बाद या फिर एक सप्ताह बाद आप उनके परीक्षण की क्या दोनों पौधे जो हैं वो स्वस्थ हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जिस पौधे में जड़ उपस्थित था वह क्या होगा, उसका वृद्धि विकास अच्छे से हुआ होगा, लेकिन जो जिस पौधे में आपने जड़ काट दिया था उसका वृद्धि या फिर विकास जो है अच्छे से नहीं हुआ या फिर उसमें नए जड़ का निर्माण शुरू हुआ था, ठीक है। तो इसके लिए जड़ के अध्ययन के लिए क्रियाकलाप हम साथ करते हैं। तो क्रियाकलाप साथ में आपको एक चने की बीज लेना है और उसे और रुई जल और एक आप बर्तन ले सकते हो। तो बर्तन में आप उस बीज को रख देंगे और रुई रुई में अगर आप पानी डाल देंगे तो पानी क्या करता है कि रुई अवशोषित कर लेगा और वो बहुत ही अधिक दिनों तक नम बनाए रखेगा। तो इससे क्या होगा कि आप जब जो आपका बीज होगा, कोई भी मक्के का आप बीज ले सकते हो, मटर का, कोई भी बीज हो अगर आप उसे लो और कुछ दिनों तक या फिर एक सप्ताह बाद उसे पानी में रख दो तो बाद में आप देखोगे कि उसमें छोटे छोटे रेशे निकल आए होंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, जड़, ठीक, ये जड़ ही होते हैं। तो इसके बाद आप जो है इस जड़ को रुई से निकालिए तो क्या ये आसानी से निकल जाते हैं, नहीं निकलते हैं क्योंकि इन्हें खींच करके हम आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो जड़ होता है किसी पौधे को जो है एक तरह से मजबूती देता है जिसे और पौधे क्या करते हैं, पौधे के जो जड़ होते हैं इन्हें मिट्टी में पौधे के जड़ को स्थिरक कहा जाता है जो कि इन्हें एक तरह स्थिर बनाया रखते हैं, ठीक है। तो अब हम एक मक्के का बीज लेते हैं और एक चने का बीज लेते हैं। तो इसमें हम उनके जड़ों के बारे में अध्ययन करेंगे कि उनके जड़ जो हैं किस प्रकार से निकलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जड़ में कोई भी रेशा नहीं निकला है जिस तरह से यहाँ आपके इस जड़ में निकला हुआ है। तो कुछ जड़ होते हैं जो कि रेशेदार नहीं होते हैं और कुछ जड़ ऐसे भी होते हैं जो कि रेशेदार या फिर मूसला जड़ कहे जाते हैं, ठीक, रेशेदार जड़। और इसके लिए जैसे कि मूसला जड़ का अगर आपको उदाहरण लेना है तो मूसले जड़ के उदाहरण में आपको एक मुख्य जड़, ये जो आपकी मुख्य जड़ है यही आपकी क्या कहलाएगी, मूसला जड़, ठीक, मूसला जड़। और ये जो इनकी सहायक जड़ें हैं ये आपको क्या कहलाएंगी, पार्श्व जड़, ठीक। अब जो भी मूसला जड़ होती है वो पौधे को क्या करती है, स्थिरक बनाए रखती है जमीन के अंदर तक अधिकतर मजबूती से, ठीक है। और जितने भी या फिर जिस पौधों की जड़ मूसला जड़ होगी, ठीक है, उसमें एक मूल जड़ पाया जाएगा, उसकी जो पत्तियां होगी, ठीक है, वो किस प्रकार से होंगी, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था वो जालिका रूपी शिरा विन्यास के रूप में होगी और ये समांतर शिरा विन्यास के रूप में होगी। तो जो हमारा रेशेदार जड़ होता है वो उसमें कोई भी मूल जड़ नहीं होता। आप यहाँ पे देख सकते हो कि सभी के सभी पार्श्व जड़ हैं, कहीं भी इस तरह से आपको मूल जड़ देखने को नहीं मिल रहा है। तो जो भी मूल जड़ या फिर रेशेदार पौधे होते हैं उनमें जो पत्तियाँ होती हैं वो किस प्रकार से पाए जाते हैं, समांतर, ठीक, उसमें इस प्रकार की पत्तियां जो हैं पाई जाती हैं समांतर शिरा विन्यास के। और इससे आप पौधे के नाम भी पता कर सकते हो कि वो किस वर्ग के हैं, जड़ के प्रकार भी और शिरा विन्यास जो है किस प्रकार का है, ये भी आप इसे अच्छे से
समझ सकते हो। अब यहाँ पे सारणी आपका 7.2 दिया है, तो 7.2 सारणी में आपको क्या करना है कि पौधे का नाम लिखना है। आप यही दो पौधे यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक। और शिराविन्यास जैसे हमने देखा, एक में जालिका रूपी शिराविन्यास है और एक में समांतर रूपी शिराविन्यास, ठीक। और जड़ के प्रकार जो हमारा जालिका रूपी होगा और जो हमारा समांतर होगा, ठीक, समांतर रूपी शिराविन्यास। तो जड़ के प्रकार इसमें क्या थे, ये रेशेदार जड़ था, रेशेदार जड़, और ये हमारा क्या था, मूसला जड़, ठीक। तो इस तरह से आप उनके जड़ या फिर पत्तियों के हिसाब से इस तरह से आपको आसानी होगी कि वो किस प्रकार के जड़ हैं। तो हमने देखा कि जो जड़ होते हैं वो मिट्टी में से जल को अवशोषित करके तने को देते हैं। तना जो क्या करता है, वो खनिज और जल को पत्तियों तक पहुंचाता है, और पत्तियों क्या करती हैं कि ग्लूकोज का निर्माण करती हैं। किसकी सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण करती हैं, C6H12O6। ये ग्लूकोज का हमारा फॉर्मूला है, इसे आप याद करके रखिए, आगे आपको बहुत ही काम आएगा। तो इसके बाद जो पत्तियां होती हैं भोजन का निर्माण करके तने को देती हैं, और तना क्या करता है उसे फिर से सभी भागों में पहुंचाता है ताकि वे अच्छे से अपना वृद्धि और विकास कर सके। तो कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो कि आपको दो तरफ मार्ग, इधर भी एक मार्ग है, इधर भी एक मार्ग है, इधर भी मार्ग है, इधर मार्ग है, इधर भी, इधर भी, जैसा कि हम रास्ता देखते हैं तो उसमें कई सारे मार्ग निकले रहते हैं, ऐसे कुछ पौधे पाए जाते हैं जिसमें दो तरफ मार्ग होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, पुष्प की बात करते हैं, जो कि ये भी एक पौधे का विभिन्न फिर एक अभिन्न हिस्सा है। अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं ABC, ठीक। इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास गुलाब के वृक्ष होंगे जिसमें कोई भी पत्ती नहीं निकली होगी, एक होगा जिसमें पत्तियां निकली हुई होंगी, एक होगा जिसमें पत्ती और फूल दोनों उसमें पाए जाएंगे। अब बात करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे पुष्प है, ठीक, इसमें कुछ भाग होते हैं, पुष्प के कुछ भाग होते हैं, बाह्य दल, पंखुड़ियाँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें। जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो क्या होती हैं कि जो हमारे फूल होते हैं, आप कहते हो कि ये देखो फूल की पत्ती, मतलब कि जो रंग बिरंगे पत्तियाँ पाई जाती हैं वो हम पंखुड़ियाँ कहते हैं, आप इसे आसानी से समझ सकते हो। जो बाह्य दल होता है वो क्या होता है कि कली, जैसे कि आप कली कहते हो, ठीक है, तो पत्तियों से वह भाग, ठीक है, जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है उन्हें हम बाह्य दल कहते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा पंखुड़ी है, ठीक, और ये हमारा बाह्य दल है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आपको एक कठोर प्रकार की पत्तियाँ दिखाई देती हैं। तो ये पत्तियाँ क्या करती हैं कि इन फूलों को बढ़ने में सहायता करती हैं, ठीक है। आप कोई भी पुष्प देखोगे उसमें जो है जो आपका बाह्य दल होता है वो जरूर होता है। तो जब पुष्प का विकास अच्छी तरह से हो जाता है तो बाह्य दल और पंखुड़ियाँ एक दूसरे से क्या होती हैं, अलग हो जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारी पंखुड़ियाँ हैं और बाह्य दल, ये भी एक ही में क्या हैं कि जुड़े हुए हैं, ठीक। अब आपको क्या करना है कि आप चारों तरफ या फिर आपके चारों तरफ जितने भी पुष्प होंगे उसे आपको एकत्र करना है, और उसमें आप देखना कितने बाह्य दल हैं, क्या वे बाह्य दल पुष्प से जुड़े हुए हैं। तो कुछ ऐसे पुष्प जैसे कि मदार है, धतूर, इन सब के बाह्य दल होते हैं जो पुष्प होते हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं, अच्छे से पुष्प का विकास हो जाने के बाद भी अलग नहीं होते हैं। और बाह्य दल और पंखुड़ियों में रंग कौन कौन से हैं, आपके जो फूल हैं उसमें पंखुड़ियों की संख्या कितनी है उसे आप इस सारणी में लिख सकते हैं। पुष्प का नाम क्या है, जैसे कि गुलाब, पंखुड़ियों में रंग, मतलब कि रंग में आपको लाल लिख देना है जिस रंग का होगा, बाह्य दल की संख्या, बाह्य दल की संख्या सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे दिया है 5 और इसका रंग क्या होगा, हरा, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। पंखुड़ियाँ उससे जुड़ी हुई हैं या अलग, तो आप देखते हो गुलाब यहाँ पे हमने ऊपर अभी देखा कि इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं ये अलग हैं, ठीक है। फिर इसके बाद पुंकेसर स्वतंत्र है अथवा पंखुड़ी से जुड़ा हुआ, पुंकेसर और स्त्री केसर के बारे में नीचे हम बात करने के बाद इसे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो पुष्प होते हैं कुछ घंटाकार पुष्प होते हैं जो कि धतूर होते हैं यहाँ पे, तो उनके आप देख सकते हैं कि ये एक दूसरे से अलग नहीं है, इसमें पंखुड़ियाँ और बाह्य दल जो है या फिर आप कह सकते हो ये सभी एक में ही जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं कि पुष्प के भाग में, पुष्प भाग में हमने देखा कि ये हमारा क्या था, बाह्य दल, ठीक,
और ये हमारा क्या था, ये हमने पढ़ा था पंखुड़ियाँ, ठीक। क्या पढ़े थे हमने? पंखुड़ियाँ। ठीक। और ये हमारा क्या है, आप कह सकते हो तना, वो भी पुष्प का तना, पौधे का तना नहीं है, पुष्प का तना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्त्री केसर और पुंकेसर की भी बात करेंगे। तो पुंकेसर क्या होते हैं, जो पुष्प होता है, अब पुष्प के अंदर स्त्री केसर, पुंकेसर, पंखुड़ियाँ, बाह्यदल, ये सब चीज़ें जो हैं पाई जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप पुंकेसर समझो, तो पुंकेसर एक तंतु से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसमें पराग कोश या और परागकण पाया जाए। जैसे कि आपको यहाँ पे पुंकेसर के भागों का दिया है कि ये क्या है कि तंतु है और ये पराग कोश। पराग कोश के अंदर क्या पाया जाता है, हमारा जो है पराग बीज पाया जाता है, ठीक है। पराग कण जिसे आप बोल सकते हो, पराग कण, ठीक है। इसी के माध्यम से जो हमारे पौधे होते हैं वो अपने समान पौधों की उत्पत्ति करते हैं। तो जो पुंकेसर होता है ये एक तंतु से मिलकर के बना होता है, जिसमें पराग कोश और पराग कण पाए जाते हैं। अब स्त्री केसर जो होता है ये पुष्प के केंद्र में स्थित भाग है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पुष्प के केंद्र में स्थित भाग है, इसी के अंदर स्त्री केसर पाया जाता है। और ये क्या होता है कि स्त्री केसर के भी तीन भाग पाए जाते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो जो वर्तिकाग्र होता है ये ऊपरी भाग होता है, वर्तिका जो होती है बिचली मतलब कि मध्य भाग होता है, अंडाशय सबसे निचला भाग होता है। इन तीनों के बारे में आप विस्तार से ऊंची कक्षाओं में पढ़ोगे, ठीक है। तो आइए इनका और ही अधिक विस्तार से अध्ययन करने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करना। तो सबसे पहले आपको एक ब्लेड लेना है और दो पुष्प लेने हैं, उनके आपको स्त्री केसर को निकाल लेना है। तो स्त्री केसर को आपको उससे काटना है, और इससे आपको पता होगा कि जो अंडाशय का कर्तन होता है या अंडाशय का जो प्रकार होता है वो किस तरह से आप उसे काट सकते हो, और उसका अध्ययन जो है अच्छे से किस प्रकार से कर सकते हो। अब इस चित्र में आप इसकी सहायता से समझिए कि ये इसकी लंबाई की काट है, जैसा कि ये आपको यहाँ पे काटा जा रहा है, और ये अनुदैर्ध्य काट है। अगर ऐसा आप काटोगे तो आपको ऐसा चित्र मिलेगा। लेकिन ये बीजांड कौन क्या होते हैं, कि स्त्री केसर के अंदर जो बीज या स्त्री केसर के अंडाशय के अंदर जो बीज पाए जाते हैं उसे बीजांड कहते हैं, जिससे कि नए पौधे का निर्माण होता है, ठीक है। तो आप इसे एक आवर्धक लेंस की सहायता से, किसकी सहायता से, आवर्धक लेंस की सहायता से इसे आप बड़ा करके या फिर जूम करके एक तरीके से अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम। तो इसमें अब इस पाठ में जो हमने पौधों के बारे में अच्छे से समझ लिया है कि जो पौधे होते हैं वो किस प्रकार से अपना भोजन बनाते हैं, जड़, तना, पत्ती, ठीक है। अब इससे हम कुछ समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारे फूल होते हैं इसमें कौन कौन से भाग थे, हमारे बाह्यदल, इसे हम एक बार मतलब कि रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारी क्या है, ये हमारा जो क्या कहते हैं पुंकेसर था ये, ठीक है। ये हमारी पत्ती, ठीक। ये पुष्प या फिर आप कह सकते हो कि फलियां हैं, फल, और ये हमारा बीज है। तो हमने बाह्यदल जो हमारा ये पुष्प था इसमें हमने पढ़ा था कि क्या था, एक था पुंकेसर और यहाँ पे क्या था स्त्री केसर, ठीक। तो स्त्री केसर में हमने क्या क्या पढ़ा, वर्तिकाग्र, वर्तिका, सॉरी, ठीक, और क्या पढ़ा था हमने, अंडाशय, ठीक। और अंडाशय के अंदर हमने क्या पढ़ा था, बीजांड, जो कि बीज पाए जाते हैं। तो
तो जड़ के कार्य भी हमने देखे थे कि जड़ के कार्य क्या है, कि इसे जमीन में या पौधे को अच्छे से दृढ़ता से स्थिर बनाए रखना, ठीक है। अब तने का कार्य क्या है कि जड़ की सहायता से जलों को अवशोषित करके पत्तियों के भागों तक पहुंचाना, जिससे कि पत्तियां जो हैं भोजन का निर्माण कर सकें, और भोजन निर्माण करने के बाद उन्हें अच्छे से उनका पालन पोषण कर सके, और तने की सहायता से फिर से उन्हें हर एक प्रत्येक भाग में पहुंचाया जा सके, ठीक है। अब आगे हम इस चैप्टर के जो अभ्यास है उसे देखते हैं कि नंबर एक इसका क्वेश्चन है कि निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। ये जो कथन है ये आपके रॉन्ग दिए गए हैं, इसे आपको अच्छे से लिखना है। तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है, इसलिए आपका गलत है, क्योंकि जड़, राइट आंसर क्या होगा, जड़, क्योंकि जड़ा जड़ जो है वो मिट्टी के अंदर पाया जाता है, ठीक है, जो कि खनिज और जल को अवशोषित करके तने को देता है, ठीक है। अब ख देखते हैं कि ख है कि पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती हैं, ये आपका गलत है। जड़ जो है ये क्या करती हैं, सॉरी, जो आपका तना है, ठीक है, जो आपका तना है ये जो पौधों को पत्तियां जो हैं, ठीक है, तना क्या करता है, ये पौधों को सीधा रखता है, एकदम सीधा, कठोर, जो ऐसे होता नहीं है, कुछ कठोर होते हैं। हमने देखा कि जिसकी तने मुलायम होती हैं वो आरोही वृक्षों के अंतर्गत आते हैं। गह है कि जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती, ये आपका गलत है, क्योंकि जो हमारा तना होता है यही जो है जल तक मतलब कि पत्तियों के पास जल तक पहुंचाता है। घ है कि पुष्प में बाह्यदल एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान रहती है, नहीं होती है। ये पुष्प के ऊपर है कि वो पुष्प कौन सा है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा कि नहीं होती है, ठीक है। अंगा पांचवा क्वेश्चन है इसका कि यदि किसी पुष्प के बाह्यदल परस्पर जुड़े हों तो उनकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी। ऐसा यह जरूरी नहीं है कि पंखुड़ियां जुड़ी हैं तो वो भी क्या हो, जुड़ी रहेगी, ठीक है। तो अलग भी हो सकता है, ये अलग भी हो सकता है, जैसा कि हमने दो उदाहरण देखा था, एक क्या था हमारा धतूर था, और दूसरा हमारा क्या था जिसमें कि पंखुड़ियां और बाह्यदल जो क्या थे एक में ही जुड़े हुए थे, लेकिन जो हमारी पंखुड़ियां अलग अलग थी उसमें हमारा क्या, कौन सा पुष्प था, गुलाब, ठीक है। तो अब जो हमारा छठवां क्वेश्चन है, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हो तो स्त्री केसर जो है पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। ये जरूरी नहीं है कि अगर पुष्प की पंखुड़ियां जुड़ी हैं तो स्त्री केसर भी पंखुड़ियों से जुड़ा होगा, क्योंकि अगर आप पंखुड़ियों को निकालते हैं तभी आपको स्त्री केसर का भाग दिखाई देता है, तो ये जरूरी नहीं है, ठीक, ये आपको जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर दो आपका है कि निम्न के चित्र बनाइए, पत्तियों का मूसला जड़, एक पुष्प या जिसे हमने गुलाब का पुष्प आप बना सकते हो। तो ये सारी क्रियाएं जो है आप अच्छे से घर पे कीजिए, और उनका चित्र जो है अच्छे से बनाइए, हो सके तो मुझे भी भेज दीजिएगा। क्या आप अपने घर में आसपास ऐसे पौधों को जानते हैं जिनका तना लंबा परंतु दुर्बल हो, इसका नाम लिखिए, ठीक है, और आप इसे किस वर्ग में रखे हैं इसे आपको लिखना होगा। जैसे कि हमारे पास एक मनी प्लांट होता है, कौन सा प्लांट होता है, मनी प्लांट, ठीक, ऐसा इसका नाम होता है मनी प्लांट। नहीं तो कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि मनी प्लांट लगा लो सब मनी मनी आएगी घर में, ऐसा नहीं होता। इनके जो तना होता है ये बहुत ज़्यादा लंबा होता है, लेकिन क्या होता है, तना इसका दुर्बल होता है। इसे हम क्या कहते हैं, विसर्पी लता वर्ग में या पौधे आएंगे, ठीक है, कौन से, विसर्पी विसर्पी लता वर्ग, ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ चुके हैं अमरबेल ये सब आते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा है पौधे में तने का क्या कार्य है। तो हमने अभी अभी देखा कि पौधे में तने के कौन कौन से कार्य जो हैं वो होते हैं। तो पौधे के जो तने होते हैं ठीक, नंबर एक इसका कार्य क्या होगा कि यह शाखाएं पत्तियों फूलों तथा फलों को क्या करता है, धारण करता है। ये मतलब कि पत्तियों से तो नहीं निकलते, तने से ही निकलते हैं, मतलब कि जो पौधे में शाखाएं होती हैं, शाखाएं और आपका पत्ती पत्तियां हैं, ठीक है, और फूल है, और आपका
फल है, ठीक। ये सारी चीज़ें जो हैं तने का कार्य होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो फूल जो है ये तने से ही निकला है, यहाँ पे फल भी जो है ये इसी से निकले हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हो ना, तने से ही निकल के आए हैं एकदम, ठीक है। और जो वृक्षों की ऐसे शाखाएं निकलेंगी, शाखाओं में जो आपके पत्ती निकलेंगे, ठीक, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तने से ही हमें मिलती हैं। और अगर आप दूसरा कार्य इसका लिखना चाहिए तो दूसरा कार्य क्या होता है कि ये पानी तथा खनिजों को, पानी और आपका खनिज लवण, इन सभी चीज़ों को क्या करता है कि पत्तियों तक पहुंचाता है। अगर आप इसका एक और कार्य लिखना चाहिए तो ये पत्तियों में जो भोजन तैयार होता है इससे क्या करते हैं कि प्रत्येक भागों तक पहुंचाना, ठीक है, भोजन को प्रत्येक भाग तक पहुंचाना, ठीक है। इस तरह से हमने तने के भी कार्य देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास हमने देखा था कि ऐसी जड़ें जिनकी जड़ें क्या होती हैं, या फिर ऐसे पौधे जिनकी जड़ मूसला में होंगी, किसमें, जिसमें मूसला जड़ पाई जाएगी, उनकी पत्तियां क्या होंगी शिरा विन्यास के रूप में या फिर जाल के रूपी। तो जो इसमें जो हमारा तुलसी है, क्या तुलसी, धनिया और आपका गुड़हल, ठीक है, इनमें आपका शिरा विन्यास जो है पत्तियां जो हैं जालिका रूपी शिरा विन्यास रूप में पाई जाएंगी, ठीक है। क्योंकि गेहूं, मक्का, घास, इन सबको हमने देखा कि इसमें समांतर रूपी शिरा विन्यास पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7-6 कि यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उनकी पत्तियों का शिरा विन्यास किस प्रकार होगा। हमने ऊपर देखा था कि अगर उनकी पत्तियां रेशेदार हैं तो कौन से होंगे, वे समांतर शिरा विन्यास, कौन से, समांतर शिरा विन्यास, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिरा विन्यास हो तो उनकी जड़ें किस प्रकार से हैं, ठीक है। जालिका रूपी अगर शिरा विन्यास होगा तो वो पौधे किस प्रकार के होंगे, मतलब कि उनकी जड़ जो किस प्रकार की होगी, मूसला जड़, ठीक, मूसला जड़। और उसमें क्या होगा, एक मूल जड़ पाया जाएगा, मुख्य जड़ जिसे बोलते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्या आप किसी पौधे की पत्ती का छाप देख करके यह पहचान सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला जड़ होगी अथवा झकड़ा जड़, कैसे। अगर पत्तियों में, अगर जो हमने पौधा लिया है, अगर उसकी जो पत्तियां हैं अगर वो जालिका रूपी हुई, कौन सी, जालिका रूपी शिरा विन्यास अगर ये उसमें पाया गया, ठीक है, तो वो कौन सी जड़ होंगी, मूसला जड़, ठीक है। अगर जालिका रूपी विन्यास अगर पाया जाएगा किसी पौधे की पत्तियों में तो उसकी जड़ कौन सी होगी, जड़ यहाँ पे क्या होगा, मूसला जड़, ठीक। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ चुके हैं, 2 से 3 बार तो इसे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, मूसला जड़। और अगर पत्तियाँ समांतर होंगी, ठीक, समांतर शिरा विन्यास अगर होगा उसमें, तो इसमें क्या होगा कि इनकी जो जड़ है वो किस प्रकार से पाई जाएंगी, रेशेदार, कैसे, रेशेदार जड़ें जो हैं वो पाई जाएंगी, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 9, किसी पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए, ठीक। तो किसी पुष्प का अगर जो उसका विभिन्न भाग है उसमें, अभी हमने पढ़ा था, कौन सा क्वेश्चन है हमारा, ये 9वां क्वेश्चन है, ठीक, 9वां क्वेश्चन। तो जो पौधे के विभिन्न भाग होते हैं उसमें मुख्यतः जो भाग होता है वो क्या होता है, पुष्प का बाह्य दल, और आपका आता है इसमें पंखुड़ियां, और आपकी क्या आ सकती है, स्त्री केसर, स्त्री केसर, और आपका आ सकता है पुंकेसर, ठीक। ये सभी चीज़ें जो हैं
आ सकती हैं एक पौधे में, पुष्प में। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किन पौधे के फूल आप हमने देखे हैं? ऐसे पौधे का नाम नीचे हमें लिखना है जिसमें क्या होता है कि फूल हमने देखा है। तो जो फूल होता है उसे तो अब क्या आपने कभी घास में देखे हैं? नहीं देखे हो। मक्के के फूल देखे हो? जी हाँ, मक्के के फूल हम देखे हैं। गेहूं के फूल देखे हो? जी ये तो नहीं देखे हैं। मिर्च के फूल? हाँ देखे हैं। टमाटर? जी हाँ। तुलसी, जो हमारा तुलसी होता है इसमें भी फूल पाए जाते हैं। पीपल वृक्ष, इसमें भी फूल होता है। शीशम एक जो है हमारा वृक्ष है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो पुष्प होते हैं ये नहीं पाए जाते हैं। बरगद, इसमें भी पुष्प पाया जाता है। आम, इसमें भी पाए जाएंगे। जामुन, क्योंकि बिना पुष्प के हमें क्या होते हैं कि फल जो है वो नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। अमरूद, इसमें भी हमने पुष्प देखे हैं। अनार, इसमें भी देखे हैं। जो हमारा पपीता होता है इसमें भी है, और नींबू में भी होता है पुष्प, आलू में भी होता है, ठीक है। तो ये कुछ है जिसमें जो हमारे फूल होते हैं इसे हमने देखा है। अब क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि पौधे के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है तथा इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो पौधे का उस भाग का नाम क्या है? पत्ती, ठीक। तो पौधे बनाने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण, ठीक। ओके, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण किस किस चीज से होता है? सूर्य के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है आपका, और CO2 है और H2O है प्लस जल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है, ठीक है। तो हमने देखा था कि फूल के स्त्री केसर का जो सबसे निचला भाग होता है उसमें अंडाशय स्थित होता है। तो मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। पुष्प के स्त्री केसर में, सॉरी, स्त्री केसर में सबसे निचले भाग में अंडाशय जो है स्थित होता है, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दो ऐसे पुष्प के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग पंखुड़ियाँ पाई जाती हैं। तो पहला जो है हमारा 13वां क्वेश्चन है, संयुक्त पंखुड़ी वाले पुष्प कौन से हैं? संयुक्त, ठीक है, पंखुड़ियों वाले पुष्प। इसमें हमने क्या पढ़े थे संयुक्त, जो उनमें था धतूरा और टमाटर, धतूरा और हमारे क्या है टमाटर, ठीक। तो इनमें क्या होता है कि जो पंखुड़ियां पाई जाती हैं ये संयुक्त रूप से पाई जाती हैं, तथा जब तक इसमें फल जो है अगर आ भी जाता है तो भी ये क्या करती हैं कि अलग नहीं होते हैं। और दूसरा हमारा क्वेश्चन था कि अलग अलग पंखुड़ियों वाले पुष्प के दो उदाहरण दो, ठीक। अलग अलग पंखुड़ियों वाले पुष्प, पंखुड़ियों वाले हमारे पुष्प, तो इसमें क्या क्या है आपका? कमल है और गुलाब है। कमल और हमने ऊपर जो कि पढ़े थे, ठीक। तो इस तरह से जो हमारा ये चैप्टर 7 है ये समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप उसे देख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।